एकदम इजी, सिंपल और टेस्टी ऐसी मिठाई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। बिल्कुल झटपट ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि ना तो हम इसमें मावा का यूज करेंगे और ना ही हमें इसके लिए कोई चाशनी बनानी है। और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, और जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इस मिठाई को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसे एक बार ट्राई जरूर करें, और इतनी अमेजिंग रेसिपी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये एक कप मतलब 140 ग्राम मिल्क पाउडर ले लिया है। मैं इसमें बिना मीठे वाले मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। अब एक कप मतलब 250 ml हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि दूध आपको इसमें गर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध हो या फिर ठंडा दूध का इसमें यूज करेंगे। और इस मिल्क पाउडर को हम दूध में अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में अगर हम इसको डालते हैं तो इसमें काफी सारे लम्स बनने के चांस रहते हैं, इसलिए हमने इसको पहले ही गैस से नीचे ही ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर को हमने दूध में बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। ये बिल्कुल स्मूथ स्लरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच घी ले लेंगे। सबसे पहले घी को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, और उसके बाद आधा कप मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। वजन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 50 ग्राम बेसन है। बेसन को आपको घी में अच्छे से भूनना है, तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते जरूर रहेंगे। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये इसमें नीचे लग भी सकता है। जैसे ही बेसन हल्का हल्का भुनना शुरू हो जाएगा तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है, और इसके कलर में और टेक्सचर में भी चेंज आ जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें बेसन की काफी सारी गुठलियां बन गई है, तो बेसन को आपको इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए चलाते रहना है, जिससे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और बेसन अच्छे से भुन भी जाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट हुए हैं हमें इसे भूनते हुए, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी तो 3 से 4 मिनट के लिए ही और इसको भूनना है। ये देखिए, पूरे 8 मिनट भूनने के बाद बेसन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आपको ये पहले से काफी चेंज लग रहा होगा, क्योंकि इसने घी अपना सारा रिलीज कर दिया है और ये लिक्विड ही सा हो गया है। बस अब हम इसमें वो मिल्क पाउडर वाला दूध ऐड करेंगे। इसको डालते ही बेसन फूलना शुरू हो जाएगा। साथ में 2 बड़े चम्मच मैं इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर रही हूँ, इससे इसमें एक बढ़िया सा टेस्ट आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे तो बेसन फूलना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये बेसन बिल्कुल थोड़ा सा ही लग रहा था, लेकिन अब फूलने के बाद और मिक्स होने के बाद ये आपको ज्यादा लगने लग जाएगा। ये दूध डालने के बाद भी बेसन के हल्के फुल्के से लम्स तो बनेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हल्का सा इसको मैश करते हुए मिक्स करते रहना है, जिससे अपने आप ही दूध में मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, इसको पकाते पकाते दूध इसमें से काफी मात्रा में सूख गया है और बेसन भी हमारा अच्छे से फूल गया है। लेकिन अभी तो हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा दूध इसमें से ना सूख जाए और मिक्सर थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारे मिक्सर में से दूध बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, और मिक्सर भी हमारा पहले से हार्ड हो गया है, मतलब एकदम स्मूथ सा ये दिखने लग गया है। बस इस मिक्सर को हम इतना ही पकाएंगे कि इसमें से दूध सूख जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें आधा कप चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/4 teaspoon मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, इससे इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। बस चीनी के पाउडर और इलायची पाउडर को भी हम इसमें बढ़िया से मिला लेंगे, और मैंने तो इसमें आधा कप चीनी का पाउडर का यूज किया है, लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर मीठे वाला यूज कर रहे हैं तो मीठा आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए डालना है। ये देखिए, चीनी का पाउडर भी सारे मिक्सर में बढ़िया से मिल गया है, और इस मिक्सर ने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये मिक्सर हमारा तैयार हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, और इसको जमाने के लिए एक कंटेनर में या फिर किसी भी नॉर्मल बर्तन में आपको घी लगा लेना है। उसके बाद ये सारा मिक्सर इसमें डालकर मिक्सर को अच्छे से सेट करेंगे। आपको जितनी पतली या फिर मोटी बर्फी बनानी है उसके हिसाब से आप इस मिक्सर को सेट कर सकते हैं। ये मेरा कंटेनर थोड़ा बड़ा है और बर्फियां मुझे बहुत पतली नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको आधे कंटेनर में ही सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद थोड़े से पिस्ते के साथ इसको गार्निश कर देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं, या फिर सिल्वर वर्क का भी आप यूज कर सकते हैं।
हल्का सा मैंने इनको प्रेस भी कर दिया है ताकि ये बर्फी में अच्छे से लग जाए। अब 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। जैसे छोटे या फिर बड़े पीस आपको पसंद है अपने हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। मैंने इसके थोड़े छोटे से ही पीस किए हैं। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या इस तरह की बर्फी आपने पहले कभी ट्राई की है। और ये देखिए, देखने में जितनी ज्यादा टेस्टी है खाने में उससे भी कई गुना ज्यादा टेस्टी है। तो बर्फियां हमारी तैयार है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।